वेलकम बैक न्यू वीडियो गाइस। मैं बनाने जा रही हूँ हरीरा की कतरिया, जो मैं बनाऊंगी गुड़ और सॉल्ट जो मैंने सामान लिया है। तो आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा और कहीं जाइएगा नहीं। तो गाइस मैंने लिया है गुड़ और ये लिए हैं खरबूजा के बीजा और ये लिया है मैंने अजवाइन अजवाइन जीरा और पोस्ते के दाने और एक कटोरी मैंने लिया है सौंठ जो मैंने पिसी हुई ली है। चाहे तो अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप अदरक से भी बना सकते हैं, अदरक को कद्दूकस करके और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और उससे भी आप बना सकते हैं। और मैंने लिए हैं गरी की बुरादा, गरी के जो गरी का गोला होता है उसको कद्दूकस करके उसका बनाया है ये। और मैंने लिए हैं मखाने। सो गाइस चलते हैं हरीरा की कतली कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चलेंगे गैस की तरफ और आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया बनती हैं और इसको खाने से पेट में दर्द भी ठीक हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चाहे तो आप इसका हरीरा भी बना सकते हैं गीला और चाहे तो आप इसकी कतली भी बना के खा सकते हैं। तो कमेंट में बताइएगा अगर आपको गीला वाला रसी जैसा हरीरा बनता है तो वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने डाला भी है नेक्स्ट टाइम पहले की वीडियो में। तो अब मैं बना रही हूँ कतली। गैस ऑन करेंगे और इस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल घी छोटा चमचा, घी गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे मखाने। तो फ्राई कर लेंगे गुलाबी, फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, कलार लेंगे। अब इसको एक थाली में निकाल लेंगे। फिर इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, घी गाइस देसी घी डालना है। गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो बीजे लिए हैं खरबूजे के वो इसमें डाल देंगे। ढक देंगे इस तरीके से और ये फ्राई हो गए हैं। तो ये गैस मखाने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, अब ये बीजे भी फ्राई हो गए हैं, इसको भी निकाल लेंगे। इसी गरम कढ़ाई में डाल देंगे पोस्ते के दाने, इसको भी हल्का सा गरम कर लेंगे। बस इसकी नमी को खत्म करना है। बस ये गरम हो गया है, गैस को मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था, इसको भी निकाल लेंगे। इस तरीके से गैस आप देख सकते हैं कि मैंने खरबूजे के बीजे देसी घी में फ्राई करी और उसमें हल्का सा कढ़ाई को गैस को ऑफ करके पोस्ते के दाने भी उसी में फ्राई कर लिए हैं और ये मखाने फ्राई कर लिए। मखाने को गैस मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और बीजे को ग्राइंड नहीं करना है, ना ही पोस्ते के दाने को मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो मखाने को मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे जीरा और इसमें अजवाइन, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद मखाना ग्राइंड कर लेंगे, इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून से कम टर्मरिक पाउडर, इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस मिक्सी में मखाना ग्राइंड कर लिया है और ये मसाला जीरा और अजवाइन थोड़ी सी हल्दी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। गैस को ऑन करेंगे और गैस को ऑन करके इसमें थोड़े से डालेंगे मूंगफली के दाने। तो जो मूंगफली दाने गाइस छिले हुए हैं थोड़े लेने हैं, ज़्यादा नहीं, बस इसको फ्राई कर लेंगे। और मिक्सी के जार से मखाने इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मखाने का इस तरीके से मैंने थोड़े मोटे मोटे ही मिक्सी में ग्राइंड करे हैं और बीजे को ग्राइंड नहीं करना है और ना ही पोस्ते के दाने को ग्राइंड करना है। और मूंगफली के दाने भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी थोड़ा मोटा ही रखना है, एकदम कस के नहीं पीसना है। फ्राई हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेंगे।
डायरेक्ट मिक्स किए जार में डाल देंगे। उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे पानी, मैंने एक ग्लास पानी लिया है। कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें एक तार की चाशनी बनाएंगे और इसमें डाल देंगे गुड़। तो इसको पकने देते हैं जब तक कि इसकी चाशनी तैयार होती है, तब तक कि मूंगफली के दाने मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसे बनानी है गाइस एक तार की चाशनी जिससे चकली जमाने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे, चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कमी रखनी है। तीन टी स्पून समथिंग मैंने इसमें चीनी ऐड करा। सो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और इसको आप देख सकते हैं कि एक तार की है कि दो तार की है, इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में लेंगे और इसमें जब एक तार इस तरीके से निकलने लगेगा तो परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो एक कटोरी ले लेंगे साफ और इसमें डालेंगे तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि अभी एक तार की चाशनी बनकर नहीं हुई है। इसको और खोलाएंगे इसी तरीके से, जब खोलती रहेगी तो ये गाढ़ा तार टपकने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेयर की तरीके ये टपकने लगता है। इसी तरीके से इसको खोलाएंगे, अभी थोड़ा सा पतला है। जब तक इसमें खोल आती है और एक थाली लेंगे उसमें ग्रीस कर लेंगे। थाली ले लेंगे और इसमें घी डालेंगे, अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ। इस तरीके से ग्रीस कर लिया तो ये चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक तार कर लेयर बनने लगी है। एक कटोरी ले लेंगे, इसमें इस तरीके से डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी बनकर परफेक्ट तैयार हो गई है। एक तार की चाशनी बन गई है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। जो मैंने सौंठ ली थी तो वो इसमें ऐड कर देंगे, गरी का बुरादा। तो चलाएंगे, सौंठ अच्छे से पक जाएगी। फिर इसमें जो हरीरा का सूखा मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो चलाएंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देना है। अब जो मैंने लिया है मूंगफली के दाने जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे, मखाने और ये बीजा पोस्ते के दाने, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। सब आपस में मिक्स हो गया है इस तरीके से। गैस को ऑफ कर देंगे। अब जिस थाली में मैंने ग्रीस करके रखा था उसमें निकालेंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि इसमें हरीरा की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस प्रोसेस से आप बनाइएगा तो आपकी कतली बहुत ही बढ़िया बनेगी। अच्छे से मिला लेना है ताकि हरीरा का मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये पक भी जाएगा। ये पक भी चुका है हमारा मसाला। तो इस तरीके से डो तैयार हो जाता है परफेक्ट। चारों तरफ से कढ़ाई से पोंछ लेंगे, इस तरीके से सब पोंछ जाता है। तो कढ़ाई भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट साफ हो गई है और ये जैसे आटे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से ये डो बन गया है। गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको निकाल लेंगे जिसने थाली में ग्रीस किया था, इस तरीके से। और डो आपको इस तरीके से परफेक्ट रखना है, बिल्कुल सुखा देना है कढ़ाई में।
सीट निकल आएगा। कढ़ाई में फैला देंगे थाली में। अब इसको थाली में बराबर कर देंगे। चाकू से निकाल देंगे क्योंकि ये गर्म है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से। परफेक्ट शेप दे देंगे कटली का। थोड़ा सा ऑयल लगा के दबा देंगे क्योंकि ये गर्म है। फिर थोड़ा सा पानी ले लेते हैं हाथ में। इसको जब जमा देंगे अच्छे से। और जो कड़छली में लगा हुआ है तो चाकू से निकाल लेंगे। ये जम चुकी है बहुत अच्छे से। अब इसको रख देंगे गाइस पंखे की हवा में। तो ये परफेक्ट कतली बनकर तैयार हो जाएंगी और मन चाहे आकार में इस तरीके से शेप करके काट सकते हैं। थोड़ी सी चुकी मोटी रखनी है तो इस तरीके से कतली आप जमा सकते हैं हरीरा की, सूखे हरीरा की कतली। तो मिलते हैं गाइस आधे घंटे के बाद। और इसको लगा देते हैं पंखे की हवा के नीचे। तो गाइस आप इस तरीके से हरीरा की कतलियां बना सकते हैं। और अगर आपको हरीरा पतला वाला खाना है तो आप पतला वाला भी इस तरीके से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं डाल दूंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं पहले हरीरा की वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो मैं दोबारा से डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस इस तरीके से कतली बनकर तैयार हो गई है। और इसको मैंने आधे घंटे ठंडी हवा में, इसको पंखे की हवा में रख दिया था। तो अब इसको चाकू लेंगे, चाकू की सहायता से जो चाहें तो वो शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से काट लेंगे। थोड़ा सा गर्म हो तभी आप काट लीजिए, वरना फिर जब सूख जाएगी तब ये बिल्कुल भी नहीं कटेगी। हम इसको कतली वाला शेप दे देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सूख गई है तो काटने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइट लग रहा है। तो गाइस इस तरीके से परफेक्ट कतली बनकर तैयार हो गई है। और ये शेप निकाल लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हरीरा की कतली बनकर इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कतली की रेसिपी कैसी लगी, गुड़ सॉल्ट और चीनी और मेवा की। तो गाइस इस तरीके से परफेक्ट बनकर तैयार हो गई हैं और आप खाइएगा। तो कमेंट में बताइएगा कि हरीरा की सॉल्ट गुड़ सॉल्ट की कतली कैसी बनी। और इस तरीके से जब ये सूख जाएंगे तो इसको आप फ्रीज में रख के आप महीनों स्टोर करके रख खा सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगी गाइस। और ये सूखा हरीरा है और इसकी कतलियाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और आप कहीं जा रहे हो तो आप भी आप इसको ले जा सकते हैं और ये खराब भी नहीं होगी। और अगर आपके पेट में दर्द जैसे होता है, कमर में दर्द होता है, तो भी आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें गोंद भी डाल सकते हैं। गोंद को आप पहले फ्राई कर लीजिए, तल लीजिए और तल के उसको इस तरीके से गोंद भी डाल सकते हैं, तो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हरीरा की कतली खाइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी में इस तरीके से आप भोग लगाकर खाइएगा कान्हा जी के लिए। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।